मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सब मेरे गुरु हैं। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत एक बार फिर बिगड़ गई है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। दरअसल राजू श्रीवास्तव को बीते दिनों दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत नाजुक बताई गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उनकी सेहत में सुधार भी देखा गया। वहीं अब एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई है। बताया जा रहा है कि वो इस वक्त बेहद नाजुक हालत में है और डॉक्टरों की टीम की सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। राजू श्रीवास्तव को जब से हार्ट अटैक आया है, तब से उन्हें होश नहीं आया है। कुछ दिन पहले राजू श्रीवास्तव को हल्का बुखार हुआ था। डॉक्टरों का कहना है कि बुखार न आए इसके लिए उन्हें दवा दी जा रही है, लेकिन बुखार का आना इस बात का भी संकेत है कि शरीर सामान्य व्यवहार कर रहा है। राजू श्रीवास्तव को अस्पताल में भर्ती हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन उन्हें अभी भी होश नहीं आया है। उनका हार्ट और पल्स लगभग सामान्य काम कर रहे थे, लेकिन ब्रेन के एक हिस्से में इंजरी के निशान हैं। यह इंजरी दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचने की वजह से हुई है। शुक्रवार 13 अगस्त को राजू श्रीवास्तव का MRI कराया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। दरअसल राजू श्रीवास्तव को इंजरी दिनों दिल का MRI में दिखी ये इंजरी चोट लगने के कारण कराया गया था, बल्कि उनकी हालत नाजुक बताई गई थी, लेकिन होने के करीब उनकी सेहत में सुधार भी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने के कारण फिर उनकी तबीयत दरअसल दिल का दौरा पड़ने के साथ ही जा रही है कि वो इस वक्त बेहद नाजुक हालत में है, जिसके कारण ब्रेन की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है। ब्रेन के राजू श्रीवास्तव को नुकसान से हार्ट अटैक आया है, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपका क्या कहना है इस खबर पर? उस दिन पहले राजू श्रीवास्तव को हल्का